कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए घिया, 2 बड़े साइज के प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, 5 टमाटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। घिया मैंने ग्रेट कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन हमें इतना ऐड करना है कि हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो घी का अपना वो है रस, उसी में ही हम कोफ्ते गोलियां बनाएंगे। हमें पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है बेसन, ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि पानी डालने से वो टेस्ट नहीं आता कोफ्तों का। मैं सिर्फ घी के रस में ही बनाती हूँ। अभी थोड़ा सा और बेसन डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी जब मैं नमक डालूंगी तो वो पानी भी छोड़ देता है। फिर अब इसमें मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी, नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। अब ये मैंने मिक्स कर लिया इसको, तेल मैंने रख दिया था गरम होना, तेल को फुल पे गरम करके उसके बाद जो इसके हमने तलना है इसको मीडियम लो फ्लेम पे तलना है, नहीं तो कोफ्ते जो हैं ऊपर से एकदम से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम छोटे छोटे गोलियां बना के अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, गोल्डन हो जाएंगे जब खुद साइड चेंज कर देंगे हम, ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। जैसे जैसे हमारे गोल्डन होते जा रहे हैं मैं वो निकालती जा रही हूँ। इनको हमें मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना है, फुल पे नहीं तलने हमें कोफ्ते। बस एक बार पहले पूरा तेल गरम करके लो फ्लेम कर देना, अंदर तक फिर अच्छे से पक जाएंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूंगी, थोड़ा इसको भून लेंगे हम। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी और इसी के साथ में मसाले भी ऐड करूंगी, नमक 1 चम्मच। आप मसालों का थोड़ा देख लेना, क्योंकि आपने कोफ्ते भी बीच में डालने हैं उसमें भी मसाले ऐड हैं, सिर्फ ग्रेवी का नमक ही डालना है। लाल मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 चम्मच डाल दी है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सूखा
सूखा धनिया एक चम्मच। अब हम मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए मीडियम लो फ्लेम पे। 7 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करूंगी। अब मैं गैस फुल करके इसको अच्छे से मसाले को भून लूंगी जब तक ये हमारा मसाला घी ना छोड़ दे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। मसाला भूनने में मेरे को 12-15 मिनट लगे हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपनी मर्जी से जितनी ग्रेवी आप चाहते हो, मैंने जैसे 1.5 कप ही डाला पानी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं मैं बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग डालना। और इसमें अब मैं कोफ्ते भी डाल दूंगी। क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो भी थोड़ा पानी सोख लेंगे। अब बॉईल आने तक मैं इसको कवर करके रखूंगी। दो मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए। अब ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। अब ये हमारे कोफ्ते तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।